क्या है। और आज की युवा पीढ़ी, आजकल के लड़का लड़कियों ने ये प्रेम को, इस प्रेम के स्तर को कितना घटा दिया। मेरा एक छोटा सा मानना है, मैं एक छोटी सी अपनी दलील रखता हूं, आप समर्थन करें तो बताइएगा, सहमत हैं तो बताइएगा, और नहीं सहमत हैं तो भी बताइएगा। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे देश के कानून से। हमारे देश में जो जज साहब हैं, हम भारत के प्रत्येक जज साहब से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहते हैं कि जज साहब, जब कोई लड़का और लड़की आपके सामने आकर खड़ा होता है, खड़ी होती है कि जज साहब हम इस लड़की से प्यार करते हैं, हम इस लड़के से प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, जरा आपकी सहमति हो जाए, तो जज साहब सहमति दे देते हैं। और जज साहब की सहमति से वो लड़का लड़की की शादी लीगल हो जाती है, जिसे कोर्ट मैरिज कहते हैं। जज साहब से बस एक छोटा सा सवाल है कि क्या उस लड़का और लड़की की शादी में क्या माँ बाप की उपस्थिति जरूरी नहीं थी? जज साहब को ये जरूर कहना चाहिए कि बेटा, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता के साइन के बिना ये कोर्ट मैरिज पूरा नहीं हो सकता। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, उसका एक थोड़ा सा तो अधिकार होना चाहिए, उसकी उपस्थिति तो वहां होनी चाहिए। ये कैसा न्याय है कि वो जज जो उस लड़की को नहीं जानता, वो जज जो उस लड़के को नहीं जानता, वो शादी करा रहा है? क्यों नहीं माँ बाप की उपस्थिति होनी चाहिए? क्यों नहीं एक बार माँ बाप से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे क्या माँ बाप बच्चों के लिए क्या नहीं करते? ओवर टाइम काम कर करके माँ बाप दूसरों के घर में चौका बर्दन करके तुम्हारी माँ दो पैसे जोड़कर तुम्हें पढ़ाती लिखाती, मेरी बेटी नाम कमाएगी, मेरे कुल का नाम रोशन करेगी, पर वही बेटी जब किसी लड़के के चक्कर में पड़कर कोर्ट में जाकर शादी करती है और माँ बाप को पूछना, बुलाना, फोन लगाना कुछ भी उचित नहीं समझा जाता, बताइए क्या माँ बाप को सूचना देना सही है या गलत है? क्या जज साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो लड़की की माँ या लड़के की माँ को सूचित करें? क्या माँ बाप का उपस्थित होना शादी में क्या आवश्यक नहीं है? हाँ या ना, जोर से। तो हमारे कानून में एक जरा सा ये संशोधन हो जाए कि लड़का लड़की जब कोर्ट मैरिज करेंगी तो माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। जो भी है, माँ जिंदा है तो माँ का, बाप जिंदा है तो बाप का, भाई जिंदा है तो भाई, माँ बाप नहीं तो कोई, परिवार का एक, उसके द्वारा लिखित में साइन हो के भाई हाँ, क्यों जी, सहमति घर की होनी चाहिए या नहीं? हम स्कूल जाते हैं ना, तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स के साइन लगते हैं, बिना माँ के साइन के, बिना बाप के साइन के बच्चे का एडमिशन कहाँ होता? कोई तो हो ना। सोचिए कि जब शिक्षा में बच्चे को पढ़ाना हो, आप कॉलेज में गए, आप आगे की डिग्रियां, तो माँ बाप की आवश्यकता पड़ती है, पूछा जाता है कि आपकी माँ कौन है, आपके पिता कौन है, कहाँ है, फोटो लगती है, तो फिर शादी में क्यों नहीं? शिक्षा में जब माँ बाप के साइन की जरूरत है, फीस भरना हो तो स्कूल किसको फोन लगाता है, भाई आपके बच्चे की फीस जमा नहीं हुई, जरा 5,000 फीस हो गई है, फास्ट पहुंचाइए वरना फाइन लगेगा, वरना नाम कट जाएगा। फीस के लिए माँ बाप को फोन लगाया गया, लेकिन शादी के लिए माँ बाप को फोन नहीं लगाया गया। कैसा न्याय है ये? माँ बाप के साथ ये अन्याय है या न्याय है? उत्तर दो, न्याय है। तो फिर ये अन्याय क्यों हो रहा है? कौन मांगेगा न्याय? इसलिए हमारी सरकार को, हमारे जज साहब को, जो भी इस में परिवर्तन करने वाले अधिकारी हों वो करें, लेकिन
ये परिवर्तन जरूर करना चाहिए कि लड़की का विवाह जब हो, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, तो माँ बाप की सहमति चाहिए, उपस्थिति चाहिए, साइन चाहिए। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सब सहमत?